अमर सिंह और ये अनिल भैया। तो अभी हम लोग आए थे गांव पे, तो हम जा रहे चीनी मिल पे पकौड़े खाने। वहाँ पे सुना पकौड़ी खाने जा रहे हैं, पकौड़े पकौड़ी जो भी कुछ भी कह लो, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। अच्छा, वो भी आए हैं खाने? अभी तो फेमस हो गई, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब वहाँ पे ऑयल थोड़ा कम रहता है, और अभी आप थोड़ा मौसम देख सकते हैं, बारिश का मौसम है, बहुत सेक्सी मौसम हो रहा है, और ये रोमांटिक मौसम। और ये देखिए, इसे कहते ताल। और ये हमारे नाना लोगों के खेत है, यानी इन नाना मतलब मेरे पापा इनके नाना। तो अभी हम लोग यहीं पे जा रहे हैं मजे करते हुए। तो अभी हम लोग जाके आपको चीनी मिल पे वहाँ के पकौड़े दिखाते हैं, लोकेशन दिखाते हैं, क्या व्यू आ रहा है। और ये देखिए, ये है बालू और रेत कहते थे। और ये देखिए सामने भट्टा, ये है भट्टा, यहाँ पे देखिए ईंटें तैयार होती है। कैमरा कोई नहीं मार गया, मैंने पकड़ रखा कैमरे को। बेल पा रहा है, भटनी पा बेल पार नहीं है, डेढ़िया है। और अभी हम डेढ़िया के रोड पे आ गए हैं, और देखिए क्या रोड बना रखा है यहाँ पे। जब मैं पिछली साल आया था यहाँ पे, रोड बहुत ही गंदा था, और अभी देखिए ये रोड रोड बना रखा है, रोड बनाया रोड यही था। ये देखिए ना, ये पूरा फुल डाकू के मोड़ में आया, देखिए डाकू गब्बर थी, क्या सही मौसम हो रहा है, ये डाकू बंदी घूम रहे हैं। ये है, इसे कहते हैं, ये है बाग यहाँ की, बाग। ये देखिए आमों के पेड़ है इधर, और इधर भी ये पूरा है, ये पूरा गांव का व्यू है। गांव में भी एक अलग ही मजा आता है अपना घूमने का, रियल में सुकून होता है, गांव में ही मिलता है रियल में सुकून। और यहाँ पे जो यहाँ का जो नेचर होता है ना, मतलब नेचर एकदम नेचुरल ब्यूटी, मतलब थोड़ा सा अच्छा, मतलब मज़ा आता है यहाँ पे, ऑक्सीजन शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। और गांव में मतलब बाहर घूमाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे गाय वैसे, और अब यहाँ पे खेत उत कटे हैं। ये देखिए इसे यहाँ पे, ये भुट्टा कहते हैं जो नदी यहाँ पे, उसका भी मतलब खेती कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे मतलब आमों के पेड़ हैं और बागें हैं, और फिर आज लगता है यहाँ किसी की बर्बादी है, मतलब आई मीन मतलब मेरा मतलब है कि किसी की शादी है, हो चुकी है, ओह बर्बादी हो चुकी है। कोई नहीं, दो चार दिन तो अच्छा ही रहेगा, फिर बर्बादी एक साल बाद स्टार्ट होगी। नहीं नहीं, राज भी है तो इन सब चीज़ों से दूर है। अच्छा, नहीं नहीं उनका इंटरेस्ट है ही नहीं। ये देखिए बकरी, बकरी का दूध किसी ने पिया है, इसका मतलब शुद्ध शुद्ध बकरी है। इसका दूध मतलब सुना मैंने 160 180 रुपये लीटर मिलता है, बहुत ही महंगा है। तो अगर किसी को पीना हो तो मेरे से संपर्क करे, कमेंट करे मुझे। ये सीधा वाला जाएगा, ये नहीं आता। और अगर किसी ने बकरी का दूध पिया तो कमेंट करके बताए कितना टेस्ट होता कह रहा है, क्योंकि मैंने भी कभी पिया नहीं है बकरी का दूध, बट सुना बहुत टेस्टी। भाई बता रहा है अनिल भाई कि इन्होंने बकरी का दूध पिया है और बहुत टेस्टी होता है, टेस्टी और बहुत ही उसी को यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत ही मतलब अच्छा होता है मतलब हेल्थ के लिए। अगर आप है तो मतलब नए मतलब गांव में आए तो अगर बकरी और भैंस और गाय का दूध तो पी के जाइए, क्योंकि शहरों में क्या वही मिलता है अमूल दूध जो फिल्टर होकर मिलता है, मिलावट और पाउडर के साथ पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो गांव में अगर आते हैं तो कुछ भी करके गाय और भैंस का दूध पी के देखिए, उसका टेस्ट अलग 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 ही आता, पूरा टेस्ट मतलब देती दे। ये देखिए डाकू जी, डाकू जी देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत मच है। ये देखिए बकरी चला रहे हैं ये लोग। मेरे गांव में लोग ऐसे बोलते हैं, कहो कहाँ जात बाटा। और ये हम है दूसरा गांव, हम लोग घूमने आए पार्टी। हाँ, अपन गांव छोड़ के दूसरे गांव में घूमने आए लेंगे। हाँ, तो देखिए आए लेंगे, कहीं हरियाली है यहाँ के, हरियाली और रोड 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 और हरियाली भी आई, देखे आए लेंगे। गोरखपुर से बिलोंग करते हैं जो बिहार के नाम। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये है चीनी मिल की
शॉप है, यहाँ पे पकौड़ियाँ मिलती हैं, बहुत ही फेमस पकौड़ियाँ हैं जो यहाँ पे ये बनाते हैं। इसमें ऑयल कम होता है बहुत, पता नहीं कैसे, और बहुत ही टेस्टी पकौड़ी होती है। और ये मेन रोड पे ये सीधे देखिए, अगर आप इधर आते हैं चीनी मिल की साइड में तो आप ज़रूर खाइए। तो अभी हमने पकौड़ी ली है, तो अभी हम सब खा रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी पकौड़ी है। भैया आपको कैसा लगा ये पकौड़ी? बहुत ही टेस्टी है, और जो उसके ऊपर मसाला डाला वो बहुत ही टेस्टी लगा हमें। चलिए हमारे डाकू जी पकौड़ी खाने, बहुत ही टेस्टी है। और अभी मैं आपको चीनी मिल दिखाता हूँ, वो इधर है चीनी मिल। तो ये देखिए, ये है मेन रोड, और ये रही चीनी मिल, ये वो चीनी मिल देख सकते हैं आप। ये मतलब बंद हो गई थी, ज़्यादा चली नहीं, और अभी बात हो रही फिर से ये खोलने की, देखो क्या पता खुल जाए। तो बस ये चीनी मिल यही है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और अभी हम जाएंगे इधर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और ये थी वो चीनी मिल, और अभी ये है मेन रोड, और यहाँ पे हम जाएंगे वापस अपना। तो अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं, और बहुत ही गंदा रोड है यहाँ पे, मतलब कितनी गिरते बचाता थी कि हमारा ब्रेक भी काम नहीं कर रहा। बता दे तू बाइक, और नहीं मतलब काम कर रहा है, और थोड़ा बाइक है हम लोग घर का अर्जेंट फोन आया था, तो हमें बहुत जल्दी जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ का पूरा गांव है, ये यहाँ का माहौल, तो देखते हैं अभी घर पे क्या होता है। बड़े पापा थोड़ा गुस्सा आ रहे थे, घूमते जाके मिलते हैं, क्या बोलते हैं दो तब लगाएंगे, उन्होंने धमकी दिया है, धमकी का जवाब देगा मम्मी, जवाब देंगे तो राज दिया नहीं बोला, प्रभाव घर पर आदमी को बताता हूँ मैं दादा। खतरनाक खतरनाक ड्राइवर भी है, और ये खतरनाक चलाते पूरा, सीधे जाना था हमें, तेरा जो ने मुका दिया गाड़ी, रोड पूरा खतरनाक वाला, रोड का मजा नहीं आ रहा। तो मैं अभी घर आ गया था, घर से लो बड़े पापा ने कुछ नहीं बोला, बस मुझे बारात में आना था, तो अपने छोटे भाई के साथ। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।